वेलकम टू माई चैनल वायरल बॉलीवुड लॉलीवुड। उर्फी जावेद जहां अपने अतरंगी लिबासों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वहीं लोग उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। इस दफ़ा वो एक बहुत ही नया और बेहुदा किस्म का लिबास इनको दिखाया गया है। लिबास क्या कह लें इनको, इन्होंने अपने एहसासों को छुपाने के लिए एक बंदूक के दो गन प्रिंट करवा ली हैं अपने बॉडी पर, और इनको इस वजह से बहुत ज़्यादा फेम मिलता है और लोग इसको ट्रोल भी करते हैं। इनको शहर में एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लिबास में देखा गया है। उर्फी जावेद सबसे ज़्यादा सनसनीखेज शख्सियात में से एक हैं। वो अपने पुरखतर लिबास के लिए जानी जाती हैं जो हर किसी को हमेशा से ही सदमे में डाल देती हैं। और अभी चंद मिनट पहले उर्फी जावेद को ताज लैंड एंड पर देखा गया और इन्होंने एक बार फिर सबको चौंका दिया। उर्फी जो अपने बोल्ड इंतखाब से फैशन इंडस्ट्री में तहलका मचा रही हैं, एक और बोल्ड लिबास में सामने आ गई हैं। इन्होंने सरासर टॉप पहना था जिसने अपने एहसासों को छुपाने के लिए गन्स को प्रिंट करवाया था। उर्फी बहुत ही आरामदेह लग रही थी और बहुत ही पुरसकून लग रही थी, जबकि दूसरे शायद ना हों। इस बार उर्फी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। उर्फी जावेद ने इंडो वेस्टर्न लिबास पहना था, कारण अपने कम से कम लिबास के साथ हल्के फुल्के जेवरात पहने। उर्फी ने बंदूकों के साथ एक सरासर टॉप पहना हुआ था जिसने निप्स को ढांप रखा था। पॉपरोजी उर्फी जावेद को बाहर शहर के बाहर मिले और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा तस्वीरें इसकी क्लिक की, और अदाकारा अपने स्टाइल बयान के गिर्द तबसरों से बहुत ज़्यादा बेचैन है। वो सिर्फ एतमाद के साथ चलती हैं और दिल जीत लेती हैं। अदाकारा ने अपने लिबास के साथ एक नथ पहना हुआ था, सिल्वर नथ और टॉप और ब्लैक स्कर्ट भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसने अपने होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। और उर्फी जावेद के लिबास आने वाली टीवी सीरियल सास बहू और फिल्मिंगो से मुतासिर है, जिसमें डिम्पल कपाड़िया, राधिका मदन, दीपक टोडियाल और ईशा तलवार, अंगीरा धर और मोनिका डोगरा और नसीरुद्दीन शाह अदाकारी कर रहे हैं। उर्फी जावेद ऐसे ख़तरनाक लिबास के अलावा अपनी ऊंची एड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, और इस बार इन्होंने पीले रंग की हील्स भी पहनी हुई थी। उर्फी जावेद के बारे में अफवाहें थीं कि वो खतरों के खिलाड़ी 13 में शरीक होंगी, लेकिन अदाकारा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि इन्हें फ़िलहाल रियलिटी टीवी शो में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ लोगों ने इनकी तारीफ की तो कुछ लोगों ने इन पर बहुत ज़्यादा तबसरा किया। एक ने कहा कि गजब की पागल औरत है, जबकि एक और ने नेटिजन ने कहा बकवास है, बहुत ही बेशरम है। एक नेटिजन ने कहा ऐसे कौन बंदूक टांगे रखता है। एक सारिफ ने मजीद कहा कैसे कैसे कपड़े पहन रही है और मशहूर होने के लिए तमीज ही नहीं है। एक नेटिजन ने कहा समझ नहीं आता कि ये क्या सोशल मीडिया पर चलने के गर्दिश करने के काबिल है ये। और एक और सारिफ ने कहा कि इस नुमाइशी बोनस को क्यों मशहूर कर रहे हो, तुम इसे क्यों फ़रोग दे रहे हो, औरतों की जिल्लत अमेज नुमाइश करने वाली ये लड़की है। लेकिन उर्फी जावेद हाल ही में एक सियासतदान के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने की खबरों में बहुत ज़्यादा आ गई थी, और अदाकारा ने सियासतदान पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मुबैना तौर पर इन्हें अवामी सतह पर हरासा किया था। दूसरी जानिब ज़ेर बहस सियासतदान ने अदाकारा पर इल्ज़ाम आयद किया था कि इन्होंने मुबैना तौर पर अवाम में अपने पसंद के कपड़ों से नौजवानों को तबाह किया है। तो उर्फी जावेद का ये नया रूप, ये अतरंगी लिबास आपको कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट में ज़रूर। वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आउटफिट किसके लिए? तो गाइस आपने वो ट्रेलर देखा सास बहू और फ्लेमिंगो का, है ना? हाँ। तो उसमें जो गाना भी है रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, इतना कूल है ना, तो ये आउटफिट उसी शो से इंस्पायर्ड है। सो उसमें डिम्पल जी, अंगीरा, राधिका तो बहुत ही बैड एस लड़कियाँ हैं, सब ने बिल्कुल फाइट वाइट कर लिए गन लेके, तो मैंने टॉप वैसे रखा है और फिर स्कर्ट यू नो उनके कॉस्ट्यूम से इंस्पायर है जो जहाँ पे लोकेशन में सेट है। एंड आई थिंक इट्स अ बैड एस शो, बहुत ही सेक्सी शो है, बहुत ही अमेजिंग है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रहा है 5 मई को, एंड सो आई वाज मतलब आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाई बैड एस वुमन। जब भी कोई औरत लड़ती है ऐसे कुछ करती है यू नो अपना अपनी पहचान बनाने के लिए, बस अपना काम करने के लिए, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। So I was just really inspired by the show. So आप लोग भी जाके प्लीज़ देखना
सास बहू और फ्लेमिंगो ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऑन 5 मे. द ट्रेलर लुक्स अमेजिंग. जब वो शुरू होता है ना उसका गाना ट्रेलर में, रिश्तों के भी रूप बदलते, तो आई थॉट इट्स दैट सास बहू शो पर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है. इट्स अमेजिंग. थैंक यू उर्फी जी. उर्फी यार रुकिए, फोटो यार ऊपर रुकिए ना यार, ऊपर लाइटियां सब अच्छी है. हां थोड़ा क्लियर कर दो पीछे से, पीछे से बड़ा क्लियर. उर्फी ये प्रेजेंट है अनमोय अपी. ये लेट हो गया, मैं दोबारा कुछ नहीं बोल रही. स्किन से क्लिप लो. बंदूक का क्या मतलब है? शो का ट्रेलर देखा है? औरतें कितनी बैड ऐस है, बंदूक लेके लड़ती रहती हैं. सो बस उसको सिग्निफाई करने के लिए है कि जब भी एक औरत को कुछ करना होता है ना, तो उसको अपने हाथ में बंदूक ताननी होती है अपना काम करने के लिए. तुम बाकी इनसे ले लेना. बहुत लंबा छोड़ा. थैंक यू अर्फी जी.